हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं चैनल पर जॉब मिग्रेशन वीज़ा ट्रैवलॉग लेटेस्ट बना के डालता रहता हूं, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। साथ ही साथ जो बेल का बटन है उसे क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन के जरिए मैं कोई भी वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो मंगोलिया से देना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा जो गुड न्यूज़ है आपको जो 2021 में मिलने वाला है, तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मंगोलिया से जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अब मंगोलिया ने अनाउंसमेंट किया है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को 2021 में वीज़ा ऑन अराइवल देगा। इससे पहले मंगोलिया इंडियन पासपोर्ट होल्डर को फ्री वीज़ा ग्रांट करता था, वीज़ा फ्री में देता था, वीज़ा की कोई फीस नहीं थी, लेकिन आपको एम्बेसी से जाके आपको लेना पड़ता है और वहाँ से एम्बेसी से लेते थे। मंगोलिया का जो वीज़ा है वो काफ़ी आसानी के साथ मिल जाता था, काफ़ी लोग मंगोलिया घूमने भी जाते हैं। अगर आप रूस जा रहे हो तो आप साथ ही साथ मंगोलिया विजिट कर सकते हो और मंगोलिया भी आप घूम सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप मंगोलिया घूमना चाहते हो तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है और आपको मंगोलिया में वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। मंगोलिया फ़िलहाल केवल यूरोप के जो देश हैं उनको वीज़ा ऑन अराइवल देता है, साथ ही साथ यूनाइटेड अरब अमीरात इसको अभी मंगोलिया वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है। तो फिलहाल अगर हम बात करें इंडियन पासपोर्ट होल्डर की तो मंगोलिया इनको 2021 में इंडियन पासपोर्ट होल्डर को 2021 में वीज़ा ऑन अराइवल देगा। ये केवल इंडियंस पासपोर्ट होल्डर के लिए इसे जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो केवल इंडियंस के लिए ही है। बाकी अगर आप बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल से हो तो अभी आपके लिए ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जो वीज़ा ऑन अराइवल की जो फीस है, ये फीस है $30 और आप इसको पे करके मंगोलिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। और वीज़ा ऑन अराइवल का जो मेन प्रॉफिट ये होता है कि आप मान लीजिए आप रूस जा रहे हो, आपका मंगोलिया घूमने का ही मन किया या फिर आपको मंगोलिया भी घूमना है तो आपको एडवांस वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अगर आपको मंगोलिया जाना है, मान लीजिए किसी कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस है, तो आप डायरेक्टली उस कंट्री से थर्ड कंट्री में आप जा सकते हैं। तो मान लीजिए आप रूस जा रहे हैं, आपको मंगोलिया भी घूमना है, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो जो इसकी फ़ीस है वो $30 है। बाकी जो अपडेट आता है वो कब से चालू होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बताया देता हूं कि ये 2021 में चालू हो जाएगा और जैसे ही चालू होता है मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और जब भी वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है तो उसके 2-3-4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबको पता है कि पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, राउंड ट्रिप का टिकट होना चाहिए, इनफ मनी होना चाहिए बस। और ये देखना है कि मंगोलिया हमें वीज़ा ऑन अराइवल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है कि $30 लेता है। फिलहाल मंगोलिया जिन कंट्री को यूरोप में कुछ देश ऐसे इनको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है उनसे $30 ले रहा है। तो ये चीज़ देखना है कि मंगोलिया इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है कि उसकी एक फ़ीस लेता है। तो ये बाद में जब अनाउंसमेंट हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा कि यहाँ कब से वो स्टार्ट कर रहा है, तो वो इस बात का नोटिफिकेशन देगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो फिलहाल ये गुड न्यूज़ है, मैंने सोचा आप लोग के साथ पर शेयर करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।